से आ चलो आपके सामने एक छोटी सी ट्रिक लेके। और आज की ट्रिक है कि स्टेट में, अपने स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट कब बने, ये अपन ट्रिक के द्वारा आप देखने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में जिलों की संख्या थी 25। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में जिलों की संख्या थी 25। ऑलराइट, अब एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेट का 26वां जिला कौन सा था, 27वां कौन सा था, 28वां कौन सा था, 29वां कौन सा था, 30वां कौन सा था, 31वां कौन सा था, 32वां कौन सा था और 33वां कौन सा था। तो अपन इन सभी को एक ट्रिक के थ्रू थोड़ा समझ लेंगे कि कब कौन से जिले का निर्माण हुआ। 26 जनवरी 1950 को स्टेट में 25 डिस्ट्रिक्ट थे। ऑलराइट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करेंगे 26वें जिले की, जो कि आपका है अजमेर। ये आपको याद रखना है, 26वां जिला अजमेर, जो कि अस्तित्व में आया है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को आपका 26वां जिला, 26वां जिला क्या हो गया, अजमेर। ऑलराइट, 1 नवंबर 1956 को आपका 26वां जिला बना है जिसका नाम है अजमेर। अब बाकी जिलों की हम बात करेंगे। और एक और जिला आपको याद रखना है, अंतिम जो जिला था 33वां जिला, 33वां डिस्ट्रिक्ट जो अपने स्टेट का था वो आप सभी को पता है प्रतापगढ़ था, जो बना है 26 जनवरी 2008 को। 33वां जिला, जो कि सबसे नया जिला एग्जाम में काफी बार पूछा गया आरपीएससी के द्वारा, राजस्थान का सबसे नया जिला प्रतापगढ़, जो कि 33वां जिला है, ये बना है आपका 26 जनवरी 2008 को, 26 जनवरी 2008 को। अपने को 26वां जिला पता है और 33वां जिला पता है। 26वां जिला मैंने अजमेर बताया आपको, 1 नवंबर 1956 को ये बना था। अब बात करेंगे हम 27, 28, 29, 30, 31, 32, यानी हम बात करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो 6 जिले इनके बीच में आ रहे हैं, इनकी हम बात करेंगे। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, धोबा, दोरा, धोबा, दोरा और हक। धोबा, दोरा और हक। 26वां जिला आपका अजमेर है, 27वां ये है, 28वां ये है, 29वां ये है, 30वां ये है, 31वां ये है और 32वां ये है। अब अपने को देखने हैं दो का मीनिंग क्या निकालना है, बा का मीनिंग क्या निकालना है, दो का मीनिंग क्या निकालना है, रा का मीनिंग क्या निकालना है और ह का मीनिंग क्या निकालना है और क का मीनिंग क्या निकालना है। धोबा, दोरा, हक। आप एक बार मेरे साथ बोलिए, धोबा, दोरा, हक। धोबा, दोरा और हक। ऑलराइट, क्योंकि ये रिवीजन करने से, रिपीट करने से आपको ये लाइन याद हो जाएगी। धोबा, दोरा, हक। 27वां जिला आपका बना है धौलपुर। आपको याद रखना है 27वां जिला धोबा दोरा हक के अकॉर्डिंग धौलपुर बना है। बाद से हो जाएगा 28वां जिला बांसवाड़ा बना है आपका, 28वां जिला बना है आपका बांसवाड़ा। दोरा, दो से बना है आपका दोसा, जो कि 29वां जिला है। रा, रा से बना है आपका राजसमंद, जो कि आपका 30वां जिला है। ह से बना है आपका 31, 31वां जिला हनुमानगढ़।
हनुमानगढ़ जो कि आपका 31वां जिला है। कैसे बना है आपका 32वां जिला करौली, करौली हनुमानगढ़ राजसमंद दौसा बांसवाड़ा धौलपुर, धोबा दोरा और हक, धोबा दोरा और हक। 27वां जिला धौलपुर हो गया, 28वां जिला बांसवाड़ा हो गया, 29वां जिला दौसा हो गया, 30वां जिला राजसमंद हो गया, 31वां जिला हनुमानगढ़ हो गया और 32वां जिला करौली हो गया, धोबा दोरा और हक के अकॉर्डिंग। तो ये हमने जान लिया है कि ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको उनके क्या मीनिंग निकालने हैं। अब बात करेंगे कौन सा जिला कौन से ईयर में बना है, सन की भी हम बात करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको याद रखना है धौलपुर जो है ये बना था 1982 में, ये जो आपका धौलपुर है ये 1982 में बना है, ठीक है। 27वां जिला धौलपुर अकॉर्डिंग टू डॉ। ऑलराइट, अब आपको करना है बांसवाड़ा दौसा और राजसमंद, बांसवाड़ा दौसा और राजसमंद, इसको आप BDR जो आपका ट्रिक है इससे याद रख सकते हैं, BDR, बांसवाड़ा दौसा और राजसमंद ये एक ही सन में बने हैं, ये है 1991 में ये बने हैं, बांसवाड़ा दौसा और राजसमंद BDR। ऑलराइट, 1991 ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बांसवाड़ा कब बना या दौसा कब बना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1991, ये तीनों एक ही सन में बनाए गए हैं। बात करेंगे हनुमानगढ़ की जो कि आपका 31वां जिला है, इसके पहले के जो 1991 में बने हैं तो आप 3 ऐड कर दो इनमें, 1991 प्लस 3 ये हो जाएंगे 1994, आपका हनुमानगढ़ जिला बना है 1994 में जो कि 31वां जिला था। करौली की बात करें तो इसमें फिर से 3 प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 1997 में आपका बना है करौली जिला। धौलपुर की बात करें, धौलपुर मैंने आपको बता दिया 1982 में बना है, बांसवाड़ा दौसा राजसमंद BDR के अकॉर्डिंग, बांसवाड़ा दौसा राजसमंद BDR के अकॉर्डिंग ये बना है 28, 29 और 30 जिला, ये बने हैं आपके 1991 में। 1991 में आपको 3 ऐड करना है तो आपके सामने आ जाएगा हनुमानगढ़ जो कि 1994 में बना है और ये आपका 31वां जिला है। उसके बाद आपने 3 और ऐड किए तो आपके पास डिजिट आया निकल के 1997, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1997, यस ये रहा, कंफ्यूज हो गया, 1997 आपका बना है करौली में, इसके पहले आपने लिखा है 1994 प्लस 3 ऐड किया। ऑलराइट, ये इजी कल कर दिया मैंने, तो ये करौली आपका बना है 1997 में जो कि 32वां जिला करौली, और 2008 में इसके बाद प्रतापगढ़ बना है जो कि आपका 33वां जिला है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी स्टेट के जो जिले हैं वो कब कब बनाए गए उनके उनके बारे में। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।